सुभाष चंद्र बोस जी का पासपोर्ट, पिस्तौल, ये है बहादुर जादवर का बैग होल्डर। गाइज, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे लाल किले के सभी म्यूजियम्स। गाइज, अब हम जा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम के अंदर। गाइज, म्यूजियम के अंदर वीडियो बनाना बंद है, बस वहाँ फोटो ही ले सकते हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आया फोटो और वीडियो में फर्क क्या रह गया। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या होगा, तो चलिए अंदर चलते हैं। म्यूजियम में अंदर एंटर होते ही सबसे पहले हमें दिखी सुभाष चंद्र बोस जी की बहुत सारी फोटोज। ये है सुभाष चंद्र बोस जी की फोटो अपने पिता के साथ, जिनका नाम था जानकीनाथ बोस। ये है उनकी चेयर जिसपे वो बैठा करते थे। ये सुभाष चंद्र बोस जी की बीए की डिग्री है जो उन्होंने कोलकाता से की थी। गाइस, आप देख सकते हो ये है सुभाष चंद्र बोस जी का पासपोर्ट, उस वक्त का पासपोर्ट देखो। गाइस, आप सुभाष चंद्र बोस जी की राइटिंग देखो कितनी अच्छी है, मैंने पहली बार इतनी अच्छी राइटिंग देखी है। ये है सुभाष चंद्र बोस जी की आर्मी से रिलेटेड कुछ चीजें। हम जाएंगे सभी म्यूजियम, देख सकते हो आप पीछे ये है म्यूजियम, और सबसे पहले हम जा रहे हैं दृश्य कला म्यूजियम में। इस म्यूजियम में ज्यादातर कुछ पिक्चर्स लगाई गई है, आप उनको देख सकते हो आराम से। ये है कुछ रविंद्रनाथ टैगोर जी की फोटोज। जब हम जा रहे हैं यादें जलियां म्यूजियम के अंदर, मुझे लग रहा है कि यहाँ जलियांवाला बाग से रिलेटेड कुछ होगा। गाइस, आप दीवार देख सकते हो उस वक्त कैसी बना रखी, बिल्कुल आज भी। मुझे लगता है जो जलियांवाला बाग के युद्ध में शहीद हुए थे उन सभी के नाम इन दीवारों पर लिखे गए हैं। गाइस, अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ इस म्यूजियम के, देखते हैं ऊपर क्या है। देखो सीढ़ियों के ऊपर छत कैसे बनाई गई है लकड़ी की, पुराना टाइप दिखाने के लिए स्क्रीन लगाई गई है, और यहाँ आप अलग अलग लोगों की बुक्स देख सकते हो, जैसे कि मैंने इसकी खोल ली है, और मैंने अब दूसरे की देखनी तो इसको काट दिया, अब इसकी देखनी है तो इस पर टच किया और ये इसकी आ गई। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। गाइस, ये डस्टबिन देखो, ये भी पत्थर से बनाया गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा भाई, इस पे भी डिजाइन बनाया गया, देखो डस्टबिन पे डिजाइन। 1857 इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस म्यूजियम के अंदर जा रहे हैं हम, तो चलिए चलते। गाइस, आप पीछे देख सकते हो ये है बहादुर जा सफर। गाइस, आप उस वक्त की तलवार देख सकते हो कैसी थी। गाइस, आप उस वक्त के तीर देखो। गाइस, ये है न्यूज़पेपर 1857 के, तो ये है बहादुर जादवर का बैग होल्डर, और ये है उस वक्त की पिस्तौल। यहाँ पे कुछ पिस्तौल रखी गई है। ये है उस वक्त की कुल्हाड़ी। गाइस, आप देख सकते हो ये है ओल्ड दिल्ली का मैप। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप ये पीछे प्रोजेक्टर देख रहे हो ना, इसमें उसकी पूरी मूवी चलती है, कैसे क्या हुआ था, तो आप आराम से बैठकर यहाँ देख सकते हो। गाइस, चलो एग्जिट करते हैं यहाँ से। गाइस, अब एक ही म्यूजियम बच गया देखने के लिए, मैंने आपको सारे म्यूजियम दिखा दिए जो थे, तो चलो एक बच गया, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अब हम जा रहे हैं आजादी के दीवाने म्यूजियम के अंदर, तो चलिए चलते। सो गाइज, अब लाल किले को टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। देखो सामने आपको रेड फोर्ट दिख रहा है ना, वो है रेड फोर्ट, इसके सामने ये वाली गली है, और यहीं से चांदनी चौक शुरू हो जाता है। और अब हम आए हैं जलेबी वाले के पास, जो कि चांदनी चौक में मशहूर है। अगर मैं आपको बताऊं कि जलेबी कैसी थी, तो जलेबी एक नंबर थी, ऐसी जलेबी मैंने पहली बार खाई है, आप खा के जरूर देखना। और ये लाइन लग के मिलती है, तकरीबन 10-15 लोग लाइन में हमेशा खड़े ही रहते हैं।
बस इतना ही था, तुम लोग के लिए पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।